वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आईपीएल से एक ट्रेड विंडो की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो मैं आप लोगों को छोड़ी हुई बताने वाला हूं। तो अगर आप आईपीएल के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो अपडेट निकल के आ रही है आरसीबी की टीम से और एसआरएच की टीम से। देखिए इन दोनों टीमों में एक ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है जिसमें देखिए बहुत ज्यादा चांसेस निकल के आ रही है वरिंदु हसरंगा की। जी हाँ, वरिंदु हसरंगा की ट्रेड की चांसेस बहुत ज्यादा निकल के आ रही है क्योंकि देखिए आरसीबी को एक लेग स्पिनर की जरूरत है। मेरे हिसाब से मैं बहुत ज्यादा शॉक था जब आरसीबी ने वरिंदु हसरंगा के पीछे बिड नहीं किया था क्योंकि देखिए आरसीबी को देखा जाए स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनकी टीम में इतने ज्यादा क्वालिटी स्पिनर है नहीं। मयंक डागर पे इतना ज्यादा बिलीव आप कर नहीं सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल का। वहीं पे आप करण शर्मा पे ओवर डिपेंडेंट हो। अब देखना पड़ेगा कि करण शर्मा का सीजन कैसा जाता है। अगर करण शर्मा का सीजन अच्छा नहीं जाता है तो मेरे हिसाब से आरसीबी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। वहीं पर अगर वरिंदु हसरंगा आरसीबी की टीम में ट्रेड होते तो मेरे हिसाब से लो बजट में आप लोग को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लेयर देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए लो ऑर्डर में बैटिंग का ऑप्शन देते हैं, अच्छे खासे विकेट लेते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही निकल के आ रही है कि क्या एसआरएच टीम उन्हें ट्रेड करेगी क्योंकि देखिए 1.5 करोड़ में वरिंदु हसरंगा जैसा प्लेयर आप लोगों को मेरे हिसाब से कभी मुश्किल ही है कि आपको देखने को मिले। वहीं पे मेरे हिसाब से मिनी ऑक्शन में किसी और टीम ने इसलिए बिड नहीं किया क्योंकि उन्हें फास्ट बॉलर की जरूरत थी, इसलिए वरिंदु हसरंगा का इतना ज्यादा प्राइस नहीं किया, वरना मेरे हिसाब से बहुत महंगे वो जाते आप लोगों को मेरे हिसाब से 7 या 8 करोड़ में आराम से देखने को मिल सकते थे अगर ये ट्रेड होती है। देखिए इसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। अगर ये ट्रेड होती है तो मेरे हिसाब से आरसीबी को इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा लेकिन वो एक जगह फिर फंस जाएंगे कि देखिए उनके 3 ओवरसीज स्लॉट लॉक है जिसमें फाफ मैक्सवेल खेलेंगे और ग्रीन खेलेंगे, उनके बाद एक स्लॉट बचता है जिसमें वो फास्ट बॉलर को खिलाएंगे या फिर मेरे हिसाब से हसरंगा के पीछे जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हसरंगा की परसेंटेज देखे जाए ट्रेड की तो आप लोग 10% ही मान के चलिए कि 10% चांसेस है हसरंगा की ट्रेड होने की, वरना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है ये ट्रेड आप लोगों को मुश्किल है कि कंफर्म होती हुई नजर आई। ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।